नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। ये स्टॉक 60.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 4.82% का मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 15,917 करोड़ की। मोटर होल्डिंग है 71.70%, बुक वैल्यू 20.60 है। डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 15-200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो इसकी मीडियम से 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। बट अगर 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखें तो मीडियम चेंज हो गया है एंड छोटो से ऊपर है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम पी कंसिडर करते हैं तो हमें पेग भी कंसिडर करना चाहिए, जो होता है PEG, ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ के पीरियड में यूजली पी हाई होता है, तो वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 100 पे इंटैक्ट है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बेसिकली रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंस का स्टॉक है तो रेवेन्यू यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, आज हमें काफ़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी यहाँ पे, एंड गैप अप ओपनिंग देखें तो हम देख सकते हैं कि हमें लगभग 9% के आसपास का यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली थी, गैप अप ओपनिंग। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया एंड इसने जो क्लोजिंग दी है वो हमें 4.82% का अपमूव दिया है, एंड क्लोजिंग हमें दी है इसने 60.90 के ऊपर। तो अभी हमारे ये टारगेट थे 7 जून के, एंड हम इसको अब रिवाइज करते हैं, एंड मुझे लगता है कि यहाँ तक हम बड़े आराम से रीच कर सकते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस थोड़ी सी इसको फेस करनी पड़ेगी, कल भी मैंने इसी के बारे में बोला था। 62 की जो ये रेजिस्टेंस है ये इसको काफ़ी फेस करनी पड़ेगी। बट जैसे आज का वॉल्यूम आया है एंड गैप अप ओपनिंग देखी गई है, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है उसको ये क्रॉस करके जा चुका है एंड उसके ऊपर इसने दी है क्लोजिंग। तो ये एक अच्छी बात है, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है। अब ये इसकी वाली जो रेजिस्टेंस है ये जो थी इसको तो ये क्रॉस कर गया 60.30 वाली, कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसको फेस करना पड़ेगा 62.10 वाली को। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कल भी गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। बट साथ में मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी थी कि इमोशंस मार्केट में ऐसे हैं कि बहुत बुलिश रहने वाली है मार्केट, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट खाने के लिए भी कोई ना कोई ऑफकोर्स बैठा हुआ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें एंड थोड़ा सा संभल के ट्रेड लें, जो अपना स्टॉप लॉस है वो रेडी रखें। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि कल भी मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है एंड काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं 7 जून तक के ये वाले टारगेट लेके चली हूँ, एंड 7 जून तक कल है 4th एंड 7 जून है फ्राइडे को, तो मुझे लगता है फ्राइडे तक ये बड़े आराम से 65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें, एंड हम 64-65 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। एक बार चलते हैं हम इसके BSE पे। तो ज़्यादा ऊपर की जो मैंने बात करी, देखिए प्राइस बैंड इसका 10% का है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाता है और मार्केट मूव अच्छा खासा मिलता है तो ऑफकोर्स ये इसको कर सकता है अच्छा परफॉर्म। न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी प्राइस के आप डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी हमारे पास टेक्निकल्स है, एंड रेड कैंडल ये इसलिए है क्योंकि अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, तो इसलिए रेड कैंडल है। बट अदरवाइज हमें काफ़ी अच्छा मूव मिला है यहाँ पे। अभी के लिए देखें तो वॉल्यूम आ जाया है 26 मिलियन का, फ्राइडे को आया था 19 मिलियन का वॉल्यूम में जंप देखा गया है। बट जिस तरीके का जंप बाकी स्टॉक्स में देखा गया उस तरीके का उतने अच्छा वॉल्यूम इसमें नहीं आया है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि हमें इतना अच्छा यहाँ पे मूव नहीं देखने को मिला है। तो अभी के लिए देखें हम तो हमें यहाँ पे कोई क्रॉस तो नहीं देखता हुआ मिल रहा है। यहाँ हमें पहले ही गोल्डन क्रॉस मिल चुका है। एक बार हम इसको रिमूव करके बोलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं, क्योंकि आजकल की मार्केट में बोलिंजर बैंड काफ़ी हेल्प करा है। तो बोलिंजर बैंड भी यहाँ पे स्पिट आउट कर चुका है। बट ये अच्छी बात है कि ये स्टॉक ना 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ही ऊपर ट्रेड करा था एंड काफ़ी अच्छा मूव भी मिल गया। तो यहाँ पे RSI की बात करें तो 62.70 पे है, हॉल्ट बना के ऊपर जा रही है, तो RSI के पास रूम भी काफ़ी सारा है अभी यहाँ पे प्ले करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। मूव यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लंबा टारगेट भी लेके चलना चाहूँगी क्योंकि तो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे 28% तक के जो इसका पुराना हाई है, जिस जो हमने एनालिसिस की थी और जो हमने यहाँ पे बनाया पैटर्न को एनालाइज करके किया था,
इस तक ये पहुंच सकता है, मुझे लगता है जून के एंड तक, यहाँ तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं अभी एंड जिस तरीके के बुल रन की बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है यहाँ तक ये जून के एंड तक पहुंच सकता है, विच इज 76, मतलब 75 और 80 के बीच में मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे सस्टेन ना करे, नीचे ही रुक जाए, थोड़ा सा टच करके आ जाए, ये जरूर हो सकता है, बट फिर भी चांसेस मुझे लगते हैं कि यहाँ तक बड़े आराम से ये पहुंच सकता है। एंड यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 28% के मूव की उम्मीद है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।